हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो में हमारे साथ हैं वो हैं, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में हमारे साथ शंकर भाई भी हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी वीडियो का जो आज टॉपिक है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही है। तो ऐसा क्या है, आज हम अपनी इस वीडियो में पता करेंगे। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किस किस चीज़ों का या फिर किन किन कलाओं का आविष्कार किया था। और जो हमारी वीडियो का दूसरा पॉइंट है वो है, भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो इतनी भयंकर प्रहारक कैसे बनी। और हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जो तीन युद्ध हुए थे वो इतने भयंकर क्यों थे और वो तीन युद्ध कौन से थे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था वो ब्रज के वनों में किया था। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने जो डांडिया है उसका भी आविष्कार किया था। तो दोस्तों, जैसे कलरीपाई 2 के जो आचार्य थे, जो सर्वप्रथम आचार्य थे, वो भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिसके कारण नारायणी सेना कभी भी किसी भी युद्ध में हारी नहीं और वो बहुत ही भयंकर प्रहार भी करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, लेकिन इनमें से जो तीन सबसे भयंकर युद्ध हुए थे वो थे, पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध किया था, और जो तीसरा युद्ध था वो नरकासुर के विरुद्ध किया था। तो दोस्तों, आज हमने अपनी वीडियो में श्री कृष्ण से जुड़े काफ़ी फैक्टों के बारे में जाना। तो दोस्तों, आप इनमें से कितने फैक्टों के बारे में जानते थे मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।